संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजित कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज का ये वीडियो स्पेशल आदित्यपुर के लिए है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट जो आदित्यपुर में पढ़ रहे हैं तो वो आए हुए हैं, और उनसे हम लोग आज जानना चाहेंगे कि आदित्यपुर कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। खासकर प्लेसमेंट के लिए ही बच्चों को ज्यादा इच्छुक होते हैं। कल भी मैं वीडियो बनाया था तो मैंने आदित्यपुर के प्लेसमेंट के बारे में बताया था। तो अभी तक जो पिछले साल के बच्चे निकले, चूंकि वहां पर ये अध्ययन में है, लगातार पढ़ रहे हैं, तो इनको आइडिया है कि भाई प्लेसमेंट पिछला साल कैसा गया और कंटिन्यू अभी क्या हो रहा है, कंडीशन क्या है, आने वाले समय में कैसा रहेगा, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम आदर्श कुमार सलाख है और मैं बोकारो के ही रहने वाला हूँ। मेरा अभी आदित्यपुर में फिलहाल चल रहा है, हम वहाँ पे सेकंड ईयर में है। वहाँ पे मेरा बैच है 2018 to 2021। तो 2018 से 2021 का 2018 से 2021 के ईयर के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले तो मैं लास्ट ईयर के जो बच्चे निकले हैं 2019 में पास आउट होकर, उनके प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहूंगा कि अभी कौन कौन सी कंपनियों में बच्चे गए हैं। सर, पिछले साल तो हम लोग के कॉलेज से बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहा था। जैसे कि पिछले साल ही टाटा में मैक्सिमम गया है हम लोग के कॉलेज से। उस टाइम शायद 13 बच्चा हम लोग के टाटा में गया है मेट्रोलॉजी ब्रांच से। अच्छा, मेट्रोलॉजी से टाटा में 13 बच्चे। हाँ, और जिंदल में भी लगभग 10 से ऊपर गया है, लगभग मतलब 10 से ज्यादा ऊपर, मतलब 10-11-12 बच्चे लगभग जिंदल में। हाँ, उससे और भी छोटा मोटा कंपनी आते रहता है, मतलब बहुत सारे बिना ये जैसे बहुत कंपनी है, लेकिन उस सब का नाम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब जैसे जनरली बड़ा बड़ा कंपनी है। अच्छा, मतलब कि जिंदल, ये टाटा और इससे जैसे कंपनियों में आपका लगातार प्लेसमेंट होता गया है, ऐसा एक प्लान। ओके, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि टाटा में, ये तो प्लेसमेंट के बारे में आइडिया हो गया, लेकिन इसके बाद हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अभी जैसे टाटा कंपनी के बारे में सुनने में आ रहा है कि प्लेसमेंट को लेकर थोड़ा सा अब शायद नहीं आएगी कंपनी, तो किस प्रकार से अगर नहीं आएगी तो क्या आदित्यपुर के बच्चों का टाटा कंपनी में होगा? सर, ऐसा कुछ नहीं है। आदित्यपुर का नाम आप जानते ही है कि कहाँ, मतलब कितना मतलब ऊपर है आदित्यपुर। किसी भी मतलब आमने सामने का किसी भी कॉलेज के साथ फाइट कर सकता है और हर चीज में आगे ही रहता है। जैसा कि वहाँ पे हम लोग की जो ट्यूशन सर है वहाँ पे भी, वो भी बताते हैं कि जो वहाँ पे जितना भी बैच का गए है वहाँ पे हमेशा आदित्यपुर का लड़का टॉपर 1 to 15 तक आदित्यपुर का ही लड़का रहता है रैंक में, और इसीलिए मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस बार भी जैसे आप देख सकते हैं कि टाटा में 51 लड़का का हुआ है, जिसमें हम लोग के कॉलेज में 11 जन पास किए थे रिटर्न, और 11 जन में से 11 जन का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, और 51 में से हम लोग के कॉलेज से 11 जन का हुआ है। मतलब कि समझ सकते हैं कि 51 सीट से टाटा कंपनी का, जिसमें 11 खुद आदित्यपुर के बच्चे हैं। yes, और सबसे बड़ी बात है कि टाटा इस बार से अब ओपन कर दिया गया है, पूरे ऑल इंडिया ओपन उनकी एग्जाम होती है और उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, उसमें सिलेक्शन होता है। तो टाटा कंपनी का अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपको आदित्यपुर में डायरेक्ट टाटा कंपनी आकर कैंपस दे देगी, तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहां से फॉर्म भरना होगा, आपको एग्जाम देना होगा, और टाटा कंपनी मैंने कि आदित्यपुर का एनवायरमेंट इतना अच्छा है कि वहां से रिजल्ट अच्छा से निकाल सकते हो। इसलिए आदित्यपुर कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो बेस्ट है, उसके लिए सोचना नहीं है। ऐसे कंपनियां कौन कौन सी आ रही है जो आदित्यपुर में अभी भी आ रही है कंपनियां? टाटा तो मतलब पहला तो वहाँ पे नहीं आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि नहीं आते, वो आ भी सकते हैं। हाँ, आ भी सकती है। हाँ, इसका भी प्रॉब्लम इस तक ये थे। अच्छा, इसलिए हम लोग का कॉलेज आ भी सकते हैं, कि हम लोग का कॉलेज का नाम वहाँ पे बहुत अच्छा है। और इस बार जिंदल आए हैं, जिंदल हम लोग का कॉलेज नहीं आए थे लेकिन वहाँ आए थे, रांची आए थे। अच्छा, तो इसलिए हम लोग के कॉलेज को बुला लिया गया था। और L&T जो बहुत अच्छा कंपनी है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। मैकेनिकल में लेने के लिए आपको 500 तक जनरल में एकदम लेना ही है, मतलब कि 500 रैंक तक होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, नहीं तो मुश्किल है। तो आपको अगर तैयारी करनी है तो भाई बेहतर ढंग से तैयारी कर लीजिए आप पॉलिटेक्निक का, क्योंकि 500 रैंक के अंदर अगर आप आते हो तभी मेट्रोलॉजी या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मिल पाएगा। और आदित्यपुर कॉलेज मिलने का मतलब हो जाता है प्लेसमेंट की एक अच्छी गारंटी, मान लो आप, और मेट्रोलॉजी ब्रांच का भी तो काफी अच्छा है, क्योंकि आप मेट्रोलॉजी से हो। और एक चीज बताना चाहेंगे आपको, वहां पे मैकेनिकल हमेशा ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मतलब टॉपर सब जाता है, और वो लोग लास्ट में जाके हम लोग को बोलता है कि आप लोग बहुत अच्छा किए हैं और हम लोग गलती किए हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। मेट्रोलॉजी ब्रांच धनबाद और आदित्यपुर दो ही जगह पर है पूरे झारखंड में, और मेट्रोलॉजी मैं शुरू से मैं भी सजेस्ट करता हूँ, आप इस बार देख लो 2019 के हमारे टॉपर विजय खुद मेट्रोलॉजी जाकर च्वाइस किए हैं। इसका मूल कारण ये है कि मेट्रोलॉजी ब्रांच में प्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको प्लेसमेंट
कहीं ना कहीं ब्लास्ट फार्नेस जैसे अच्छे अच्छे कोई भी कंपनी का ब्लास्ट फार्नेस में आपका हो ही जाता है। तो मेट्रोलॉजी एक बड़ा सिक्योर्ड ब्रांच है, लगभग जितने बच्चे मेट्रोलॉजी के हैं उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन एकदम 100% हो ही जाता है। मेट्रोलॉजी में जैसा कि आप यदि देख सकते हैं तो उसमें लगभग 100% का हो ही जाता है प्लेसमेंट, 100% हम लोग के कॉलेज से। तो भाई ये तो मैं कह दूंगा कि जिन बच्चों को एकदम पक्का ग्रांटेड जॉब चाहिए तो वो मेट्रोलॉजी जरूर ले लें, क्योंकि उनसे ये मान के चलो कि आपका 100% प्लेसमेंट आजकल कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसा ब्रांच है जहां पर आपको गारंटी है। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अगर आपके अंदर मेरिट है, आप गवर्नमेंट किसी भी जॉब को निकाल सकते हो या इंटरव्यू अच्छा निकाल सकते हो, तो फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हो। सर ऐसा नहीं है कि जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यदि हम लोग के कॉलेज से लिए है तो ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं होगा, उन लोग का भी प्लेसमेंट होता है, L&T में होता है, टाटा मोटर्स में होता है, और ऐसे ही जिंदल ऐसे बहुत सारे कंपनी है जिसमें उस सब का भी होता है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल यदि लेना है हम लोग के कॉलेज से तो उसका प्लेसमेंट नहीं होता है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि CSE का जो होता है उसका भी हम लोग के कॉलेज में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, इस बार भी प्लेसमेंट हुआ है, कोई कंपनी आया है जिसमें 6 लड़का का मतलब CS का भी प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस के बोलते हैं कि सर कंप्यूटर साइंस लेकर तो कहीं प्लेसमेंट नहीं हो पाता, तो आप आदित्यपुर आकर देखें, क्योंकि आदित्यपुर में आपको अच्छे अच्छे कंपनियों में कंप्यूटर साइंस के भी बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको लगभग आइडिया हो गया होगा कि आदित्यपुर कॉलेज क्यों खास है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तो तब तक के लिए जय हिंद जय